हेलो गाइस, दिस इज जगराज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिवें सर तुहानू सारयां नू पता ही है कि आपां हर वारी जदों भी कुछ लैके आउंदे आ, कुछ नया लैके आउंदे आ कि इंग्लिश नू सौखे तो सौखे तरीके नाल किवें बोलिया जावे। तो अज असीं गल करांगे जिवें अजकल मौसम गर्मी दा है, तो गर्मी दे बारे विच कि जिवें गर्मी कदी साडे इत्थे वध जांदी है, कदी घट जांदी है, कदी तुहानूं गर्मी लगदी है तो बहुत ज़्यादा पसीना आउण लग पैंदा है, कदी तुहानूं गर्मी लगती है तो मतलब एवें लगता है जिवें मतलब जे स्किन है जिहड़ी सड़ जाएगी, जिवें इन्हें साड़ के रख दिता होया है। तो इवें बहुत सारिया गल्लां हुंदियां ने जदों असीं गर्मी विच बोलदे हां। लेकिन कई बार की हुंदा है कि इस चीज़ां नूं आपां पंजाबी विच बड़े तरीके नाल बोल लैंदे हां कि बड़ी गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जां फिर पसीने पसीने वाली जिवें हुमस जिहा लग्गिया होया है उदां दी गर्मी लग रही है। लेकिन जदों इंग्लिश विच बोलण दी वारी आउंदी है फिर साडे कोल थोड़ियां बड़े घट ऑप्शन हुंदे ने इहनूं बोलण लई, ते फिर इसे करके आपां बोल दिंदे हां कि सानूं इंग्लिश बोलण विच मज़ा नहीं आउंदा। क्यों? क्योंकि जो आपां कहना चाहुंदे हां उह कहा नहीं जांदा, ते फिर आपां इंग्लिश बोलना छड्ड दिंदे हां, पंजाबी ही बोल लैंदे हां कि चलो भाई आह ठीक है, क्योंकि जो दिल कर रहा है वो बोलते रहे हैं। लेकिन अज असीं तुहाडे सामने कुछ गल्लां लैके आवांगे जिन्हां नूं देख के तुसीं मतलब सीख सकदे जे, तां कि तुहानूं इंग्लिश विच वक्ख वक्ख तरीके नाल तुसीं किवें बोलना है वह बोल सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लैट्स बिगिन। तो जिवें असीं कई बार कह दिंदे हां सानूं गर्मी लगती है, तो आपां कहिंदे कि अज गर्मी है, तो गर्मी बारे दसना हो आप कहें इट इज़ हॉट, इट इज़ हॉट। लेकिन ये तो असी कहता कि गर्मी है तो आप कहता कि इट इज़ हॉट। लेकिन कई बार की हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो असी कह दें इट इज़ टू मच हॉट, मीनस थोड़ी गर्मी है तो तुम कह दें जी इट इज़ हॉट, मीनस गर्मी है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो तुम कह दें जी इट इज़ टू मच हॉट, की कहना आप इट इज़ टू मच हॉट। लेकिन कई बार की हुंदा है कि तुसीं देखिया होगा जून के महीने में इदा हुंदा है कि बहुत ज़्यादा धुप निकली हुंदी है, इन्नी ज़्यादा गर्मी लग रही हुंदी है, जिवें सड़कां सारियां तपियां हुंदियां ने, जिस भी चीज़ ते हाथ लगाओ बहुत ज़्यादा गर्म हुंदी है, तो तुसीं उहनूं कहना होवे कि मतलब इन्नी ज़्यादा गर्मी आ गई है, मतलब ये तो मतलब साड़ के रखने वाली गर्मी है, मीनस कि ये तो मतलब अग लगन वाली रह गई है, बाकी तो बस ठीक है। तो तुसीं इस गल नूं कहना होवे कि जिवें कि इहदे मूँह नूं सेक पैण डिया है, बहुत ज़्यादा मूँह नूं तां सड़न डी है, जां फिर आपां करदे कपड़ा लपेट लैंदे कोई ना कोई मूँह दे उत्ते, ते जदों इदां दी गर्मी लगदी है तो उहनूं आपां कहिंदे आ इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट। की कहांगे आपां इहनां नूं? इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट। मी जिवें तुहानूं कोई पुछ लैंदा है कि भी किवें दा तुहाडे मौसम किद्दां तुहाडे एरिया दा, तो तुसीं कहना होवे कि इह तां मतलब साड़ के रखण वाली गर्मी है, मतलब इन्ना ज़्यादा इह तां साड़ देण वाली है, तो तुसीं कहिंदे जे इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट, इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट। वैसे तो तुम इट इज़ हॉट भी बोल सकते जे, इट इज़ टू मच हॉट भी बोल सकते जे, लेकिन तुम हूँ कहना है कि मतलब साड़ के रखने वाली गर्मी है। तो जो तुम ये गल फील किया कि मेरी बॉडी मतलब थोड़ी उपरों मतलब रेडिश हो रही है या फिर सड़ जाने वाली हो गई है, फील हों तो महसूस हों, तो कहते जे इट इज़ स्कॉर्चिंग हॉट। लेकिन कई बार इस तो उल्टा हो जाता है, गर्मी तो तुम लग रही होंगी है, लेकिन जिवें मान लो कि अगस्त के जुलाई के महीने में आ जाता जो झोने झाने लग जाते हैं, तो तुम फिर उदो बोलते जे कि मतलब गर्मी तो हैगी है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन साड़ नहीं डई, एक हो रहा है पसीना आई जा रहा है तो गर्मी लगी जा रही है। कई बार तुम देखा होगा लाइट बंद हो जाती है तो रूम में तुम बैठे होंगे जे तो गर्मी लगती जाती है, पसीना आई जाता है, सड़ नहीं डे होंगे, सेक नहीं लगता, लेकिन हुमस के नाल गर्मी इन्नी लगी जाती है, तुसीं कहिंदे कि ये पसीने पसीने वाली गर्मी है, तो उन्हूं आपां कहना होए कि ये पसीने पसीने वाली गर्मी है, तो आपां कह दिंदे आ इट इज़ स्वेल्टरिंग हॉट। की कहोंगे आपां? इट इज़ स्वेल्टरिंग हॉट। एक बार फिर तुसीं मेरे नाल बोल लेना है इट इज़ स्वेल्टरिंग हॉट, मीनस कदों कहना है? जदों सानूं लगे कि पसीने पसीने वाली गर्मी है। तो सो सर नैक्सट कई बार आप कह दें जिमें स्वेल्टरिंग हॉट की गल की है, लेकिन कई बार आप कहने कि मतलब ये तो जला दे रही है गर्मी, मतलब साड़न दी है, तो आप कहने इट इज़ बर्निंग, इट इज़ बर्निंग, मीनस है मिलते जुलते ही ने, लेकिन जो भी थोड़ा दिल करता वो अकॉर्डिंग बोल देंगे जे कि तुम कहता इट इज़ बर्निंग, या फिर तुम्हें लगे कि ये तो जिमें आलू उबलता है इदा सू बलन दी है गर्मी, इन्ना ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, मतलब लगता है कि मैनू शरीर मेरे तो छाले हो जाते हैं इन्नी ज़्यादा गर्मी है, तो तुम कहते जे इट इज़ बॉयलिंग, इट इज़ बॉयलिंग, मीनस मैनू ये उबाल रही है। तो इदा बहुत सारिया चीज़ें होंगे ने जिन्हों तुम बोलते रहते जे। तो एक होर तरीका होंगे जिन्हों कहते जे
इट इज़ सीजलिंग हॉट, मीन बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है, मतलब गर्मा गर्म मतलब भख रही है, इन्ना ज़्यादा मौसम सारा मतलब धरती भख रही है, सारे लोग गर्मी गर्मी करते फिर रहे ने, तो तुसी कहिंदे जे इट इज़ सीजलिंग हॉट, की कह दें आपां इट इज़ सीजलिंग हॉट, या फिर तुसी कहना होए कि ये पट्ठी च पए हुए इन्नी ज़्यादा गर्मी है, तो तुसी कहिंदे जे इट इज़ रोस्टिंग, इट इज़ रोस्टिंग मीनस कि सानू पट्ठी च पा के तप रहे हैं आपां बहुत ज़्यादा, तो इदा दियां बहुत सारियां गल्लां होंदियां ने, लेकिन तुसी इहनू जो भी तुहानू इहदे विचों चंगा लगदा है उहदे अकॉर्डिंग बोल देना, मीनस जिवें दा मौसम लगेगा जिवें दी फीलिंग आएगी उवें तुसी बोल देना हुंदा है। सो सर नैक्सट है इट इज़ स्टाइफलिंग, स्टाइफलिंग मीनस कि कई बार तुसी मीनस रूम के दरवाजे बंद भी है तो रूम के विच जे तुसी तो रूम के दरवाजे भी बंद है तो तुहानू बड़ा ज़्यादा हुमस लग्या, हुम लगा होया बड़ा ज़्यादा, तो मतलब पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा, तो पूरी हुम लगा हुआ, जिवें मान लो इहदा किवें कह सकते आपां कि जिवें कई बार तुसी ना कोई रूम ओपन करते जे बंद हुंदा है पहले तो उस रूम में ना तो हवा बाहर जान दी हुंदी है ना ही अंदर जान दी हुंदी है, तो रूम च बड़ी ना मतलब हुम जी वाली हवा तुहानू लगती है, तो तुसी रूम च एक मिनट लिए ही चाहे जाते हो तो तुसी पूरे पसीने नूं भिज जाते जे, तो जो तुसी दसना ना ये रूम इदां दा है इत्थे इन्नी गर्मी है कि ना तो हवा बाहर जान दी है ना ही अंदर आन दी है, मतलब बड़ा ज़्यादा हुमस जिहदे नाल है, तो तुसी बोलदे जे इट इज़ स्टाइफलिंग, इट इज़ स्टाइफलिंग, तो ये तुसी यूज़ करके बड़े वधिया तरीके ने इंग्लिश सीख सकते जी। नैक्सट वीडियो लैके फिर तो तुहाडे सामने हाजिर होवांगे, टिल देन बाय।